जैन साल तक की दो बड़ी खबरों के साथ पश्चिम में अरण जायसवाल सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि जो मध्य प्रदेश में एक बड़ी घोषणा हुई है पुजारियों के लिए, जो मंदिर में पुजारी हैं, ऐसे पुजारी जिनके मंदिर के पास में किसी प्रकार की कोई भी बड़ा रास्ता नहीं है और रास्ते के साथ में बड़ी सुविधाओं के साथ ही किसी भी प्रकार से कोई दान दक्षिणा नहीं मिल पाता है, ऐसी जगह के लिए 5,000 रुपए प्रत्येक माह के लिए सीएम शिवराज सिंह मध्य प्रदेश के मुखिया जी का एक घोषणा हुआ है, आप इस वीडियो में देख भी सकते हैं। संस्कृत विषय के लिए उच्चतर और माध्यमिक शिक्षकों की लगभग 2600 पद की जो रिक्त पद है उसमें भर्तियां की जा रही है। भगवान परशुराम जी के भी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा और ये देखिए खास रिपोर्ट। संस्कृत पढ़े, भगवान परशुराम पढ़े, भगवान राम पढ़े, भगवान कृष्ण पढ़े, गीता पढ़े, इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? अरे ये सनातन संस्कृति है हमारी, ये संस्कृति पढ़ाई जानी चाहिए। भगवान परशुराम जी का पाठ पढ़ाया जाएगा, उनका चरित्र, उन्होंने जो काम किया है कहो तो सदैव रहने वाले कर रहे। एक बात आई हमारे पुजारियों, और कई मंदिर ऐसे हैं जिसमें ज्यादा दान दक्षिणा नहीं है, दूरस्थ गांवों में जंगलों में पुजारी डटे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, ज्यादा दान दक्षिणा भी नहीं है। ऐसे मंदिर जहां जमीनें लगी नहीं है पहली श्रेणी उनकी, तो उनके सामने तो तुरंत संकट है कि पूजा कैसे जारी रहे। इसलिए ऐसे सभी पुजारियों का मानदेय तत्काल आलोकी 4,000 से शुरू करते हैं। मानिया महाराज, पंडित जी तो बहुत जल्दी खुश होते हैं। 5 कर दीजिए, 5। अच्छा 5,000 कर दिया जाएगा, ठीक है। बाकी जितनी श्रेणियां हैं, कई मंदिर ऐसे जिनमें बड़ी मात्रा में जमीनें हैं, तो उसमें से ही उनको मानदेय की व्यवस्था बिल्कुल कर दी जाएगी जिनमें बड़ी बड़ी जायदादें लगी है। लेकिन एक बात, संपूर्ण संत समाज बैठा है यहाँ, विप्र समाज भी बैठा है, कोई जमीन सरकार नीलाम नहीं करेगी, करेंगे तो पुजारी ही नीलाम करेंगे। जय जय श्री राम, बहुत सुंदर। लेकिन एक समिति तुरंत बने जो इस बात की चिंता भी करे कि जमीन बची रहे। कुछ जगह जमीन बेच दी गई है, खुद बुद्ध कर दी गई है, तो हम इसका तो कोई भी समर्थन नहीं करेंगे, सही बात है कि नहीं? मंदिर की जमीन नहीं बिकनी चाहिए, यह बात तो सही है। और इसलिए एक समिति बनके संतों की हो, विद्वानों की हो, वो सुझाए कि कम से कम जमीन बिकनी नहीं चाहिए। यह बात आपने सही कही कि कई लोगों ने जमीन लगाई मंदिर की व्यवस्था के लिए, किसी ने माता जी की स्मृति में, किसी ने पिताजी की स्मृति में, उसका विक्रय नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसकी पूरी व्यवस्था पुजारी के हाथ में आनी चाहिए ताकि पुजारी मंदिर की व्यवस्था को ठीक ढंग से चला सके, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर है, एमपी बोर्ड से निकल कर आ रही है पूरक परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म, कल दिनांक यानी 4 मई से भरे जाएंगे और जिसके लिए 5 जून से ही प्रवेश पत्र निकाले जा सकेंगे और लगभग ये फार्म भरने का जो अवधि है 1 महीने पूरा चलेगी। इसी तरह की खास रिपोर्ट देखने के लिए मित्र 24 को सब्सक्राइब करना न भूलें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना न भूलें। इसी साथ देख रहे थे मित्र 24, मैं अरुण जायसवाल। जय हिंद।